सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पबजी मोबाइल लाइट में प्रो प्लेयर किस तरीके से बन कर सकते हैं, यानी कि पबजी में आप लो प्रो प्लेयर एज अ प्रो प्लेयर किस तरीके से प्ले कर सकते हैं, यानी कि ऐसे कौन सी मिस्टेक्स है जो नूब प्लेयर करता है लेकिन प्रो प्लेयर हमेशा उसको अवॉइड करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। मैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अपने दिन का 6 आवर्स पबजी प्लेयर खेलने में अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। तो मैं क्या थोड़ा बहुत एडिक्टेड हो गया, और मुझे खेलने से जैसे जैसे मैं रोज़ खेलते जाता हूँ वैसे मेरा जो पबजी खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता जाता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी टिप्स है जो फॉलो करनी है जो एक प्रो प्लेयर करता है। अगर आपने उसको फॉलो किया तो आप इजीली एज अ प्रो प्लेयर पबजी खेल पाएंगे। सो लेट्स प्ले द गेम। सो सिंपली हमारा गेम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एंड लेट्स वेट टिल दिस गेम स्टार्टेड। देन आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी टिप्स है जो आपको यहाँ पे फॉलो करनी है जो एक प्रो प्लेयर फॉलो करता है। देन इसके बाद वो यहाँ पे चिकन डिनर का फ़ायदा उठाता है हमेशा बेसिस पे। तो यहाँ पे मैं जो कुछ भी यहाँ पे पबजी में आपको मैं दिखाऊंगा ये मैं कोई हवा में बात नहीं करूँगा, लाइफ प्रैक्टिकल बेसिस पे मैं आपको करके बताऊँगा, जिससे क्या है कि आपको एक क्लू मिल जाएगा कि जो प्रो प्लेयर क्या करता है और एक नूब प्लेयर क्या करता है। तो यहाँ पे मैं हवा में बिल्कुल बात नहीं करूँगा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको जानना है कि वो कौन कौन सी टिप्स है जो एक प्रो प्लेयर फॉलो करता है, देन आप यू कैन जस्ट कंटिन्यू दिस विद दिस वीडियो। देन यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए एक अगर मैं आपको नॉर्मल से बेसिस पे कहूँ तो जब भी जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आपको यहाँ से प्लेन से बाहर निकल जाना है। प्रो प्लेयर सबसे पहले यही करता है, लेकिन न्यू प्लेयर क्या करता है कि वो थोड़ा सा वेट करता है एंड लोकेशन का यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन का फाइंड होने के बाद यहाँ पे छलांग मारते। लेकिन प्रो प्लेयर ऐसा बिल्कुल नहीं करता है, वो एक टाइम मैनेजमेंट का मेंटेन रखता है। तो इसके बाद यहाँ से प्लेन से आपको कूद जाना है। देन उसके बाद आपको सेकेंड क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देन उसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्टली डायरेक्टली हाउस के इधर लैंड करना है, बिकॉज हाउस के इधर लैंड करने का ये कारण है कि आप एक किसी घर के पास यहाँ पे लैंड कर लेते हैं तो आपको इंस्टेंटली ये जो गन्स है ये आपको मिल जाती है। तो आपको जितने बेटर होगा कि आप अगर कहीं पे भी लैंड करें पैराशूट से तो आप सबसे पहले ओनली फॉर यहाँ पे आप एक घर के पास ही लैंड करें तो बेटर होगा। तो लेट्स फाइंड आउट लेट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली जब भी आप लैंड करो तो आप नियर बाय हाउस के इधर ही जाओ, जिससे आपको इंस्टेंटली गन मिल जाएगा। देन उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो फाइट को। देन उसके बाद जैसी कोई भी दिखे आपको वेट बिल्कुल नहीं करना, डायरेक्टली आपको शूट करना है और उसे किल कर देना है। यस, तो इस तरीके से आपको डायरेक्टली बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, और जो भी एनिमीज आपको दिखे इंस्टेंटली आपको वहाँ पे शूट करना है एंड देन उसके बाद किल कर देना है। देन मोस्ट और सबसे लेट्स फाइंड आउट लेट्स प्ले लेट्स प्ले लेट्स प्ले। तो और सबसे मेन बात तो ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ घूमते ही नहीं रहना है और छुप छुप के फायरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। जहाँ पे फाइट हो वहाँ पे आपको फटाक से जाना है और फाइट करना है, और छुप छुप के बिल्कुल भी नहीं खेलना है, बिकॉज छुप छुप के खेलने वाला ही एक नूब प्लेयर होता है और ये बिल्कुल भी गलत है। अगर आपके ऊपर नूब का ठब्बा लग गया तो यार बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा गेम खेलने के लिए। तो जहाँ भी फाइट हो वहाँ पे जाइए और फाइट करिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आप फाइट करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो छुप छुप के फाइट करने में कोई मज़ा नहीं है, और यहाँ पे आप लोकेशन को ज़रूर ट्रैक करिए, देन उसके बाद खेलने का आपको और मज़ा आएगा। ओके, सो नाउ देयर इज एनिमी।
Oh no, he's my friend. Oh, sorry, I forgot. Yeah, extremely sorry. तो यहाँ पे सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको छुप छुप के फायरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, जो भी है आपको इंस्टेंटली खेलना है। और यहाँ पे आपको देन इसके बाद कभी भी आपको यहाँ पे छुप छुप के फायरिंग नहीं करना है, बिकॉज छुप छुप के तो यार लूप प्ले करता है। यहाँ पे हम प्रो प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रो वाले क्या करते हैं, बिना सोचे समझे डायरेक्टली अटैक करने लगते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जितना हम अटैक करेंगे उतने ज़्यादा हमें एक्शंस करना आएगा, हमें फायरिंग करना आएगा, तो ये ज़रा इम्पोर्टेंट हो जाता है। राइट, सो लेट्स रन इट, लेट्स रन इट, लेट्स रन इट। तो जहाँ पे भी फायरिंग हो रही है वहाँ पे आप जाइए और फायरिंग करिए, वो फायरिंग करने में ज़्यादा मज़ा है। ओके, और जहाँ पे दूसरी बात तो ये है कि अगर आपको बैक साइड से कोई गोली लग रही है तो उसको आप एक डायरेक्शन मत दें, आपको या तो आप ऐसे फाइट करिए या तो आप ऐसे उड़ उड़ के जाइए। बिकॉज क्या है कि वो आपके सामने वाला बंदा आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा, उसका उसका जो गन से वो आपको नहीं लगेगा। ओके, अभी वो देखो सामने से मुझे अटैक कर रहा है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो सामने वाले से अपने को बचाने के लिए आपको बस ऐसा उड़ते रहना है, जिससे सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, वो उसका जो फायरिंग है आपको ऐसा नहीं लगेगा। तो ये काफ़ी एक प्रो प्लेयर ही करता है, तो ये बातें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से डायरेक्टली आपको वेट नहीं करना है, इंस्टेंटली उसको शूट करना है। आगे वाले को आपको मारने का मौका देना ही नहीं है, जैसे ही वो मारे फटाक से उसको बस किल कर देना है। बस हमारा जो मोटिव है वो यही होना चाहिए, दैट्स इट। अगर चिकन डिनर चाहिए तो आपको बस यही करना पड़ेगा फर्स्ट जब, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। ओके, आई गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट गन। तो बस भागते रहिए, और जहाँ पे आपको फाइट की आवाज़ आ रही है, जहाँ से भी आपको गन के शूट होने की आवाज़ आ रही है, वहाँ पे जाइए और प्ले बस अटैक करिए। थोड़ा गेम प्ले गाइस थोड़ा लंबा होगा, बिकॉज़ क्या है कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल वे से बताना चाहता हूँ कि आप अगर आप प्रो बनना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिकली क्या करना पड़ेगा। बिकॉज देखिए हवा में तो बात हर कोई कर लेता है, लेकिन प्रैक्टिकल करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ एक लाइव प्रैक्टिकल वे में कर रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सीखने में मज़ा आएगा और मुझे यहाँ पे आपको बताने में मज़ा आएगा।
तो आगे आप कंटिन्यू देखते रहिए, मैं आपको जो भी चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, ताकि आपको सीखने में मज़ा आएगा। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट टिप यही क्या है, देखिए अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे राइट साइड में मुझे एक ड्रॉप मिला, यानी कि ड्रॉप यहाँ पे डाउन हो चुका है। तो अभी सारे प्लेयर वहीं पे गए रह गए ड्रॉप में अपना फाइंड करने के लिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा आगे पीछे देखना होगा कि जब भी आप ड्रॉप के पास जाए तो यहाँ पे लोग जैसे ड्रॉप के पास जाते हैं तो लोग डायरेक्टली किल करना शुरू कर देते हैं। तो ड्रॉप अगर आपसे लंबा है, तो अगर आसपास में कार है तो आप कार को प्रेफर करिए और कार का यूज़ करके ही आप ड्रॉप यानी कि ड्रॉप में और ड्रॉप के पास आप जाइए। तो यहाँ पे देखिए बैक साइड में मुझे कोई मुझे किल करने आ रहा है, तो यहाँ पे कार का यूज़ भी अगर आप करते हो तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज़ क्या है कि एनिमीज़ को किल करने में ज़्यादा मज़ा आएगा और यहाँ पे आप लॉन्ग टाइम में यहाँ पे इजीली आप सर्वाइव कर पाएंगे पबजी में। तो अब ये मुझे नूप समझ रहा है, लेकिन इसको नहीं पता कि मैं क्या हूँ। तो फाइनली इसको मैंने किल कर दिया। बस ये फाइट जहाँ पे हो ना वहाँ पे आप जाइए, खेलने में आपको मज़ा आएगा। अब ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है बट नहीं छोड़ूंगा बे। यहाँ पे बस जैसे जहाँ भी आपको देखिए, एक प्रो प्लेयर क्या करता है कि उसको ना जहाँ पर भी यहाँ पे गन्स की आवाज़ आती है तो वो वेट बिल्कुल भी नहीं करता है, बस अटैक कर लेता है। तो यहाँ आपको भी वैसे ही करना है। और एक प्रो प्लेयर क्या करता है, जब भी उसको कोई अटैक करता है, यहाँ पे देखिए हर चीज़ का गेम प्ले नहीं हो सकता, बिकॉज़ कभी यहाँ पे कुछ होता है तो कभी नहीं होता, तो हर चीज़ का मैं आपको गेम प्ले करके एग्जैक्टली अगर बताऊंगा तो उसके लिए मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो बनाना पड़ेगा और आप भी ज़्यादा बोर हो जाएंगे। यहाँ पर सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अगर आप प्रो बनना चाहते हैं तो इसमें एक ही है कि आपको बस अपने आप को अपने जैसे आप वहाँ पे लैंड करें तो आपको सबसे पहले एक घर के आसपास ही लैंड करना है, जिससे क्या है कि आप इंस्टेंटली कोई गन ले सके। और दूसरी चीज़ तो ये है कि आपको छुप छुप के यहाँ पे प्लेयर की तरह, चोरों की तरह यहाँ पे नहीं खेलना है। आपको एकदम प्रो बनना चाहते हैं तो आपको जहाँ पे फाइट हो रही है वहाँ पे आपको जाना है और फाइट करना है। देखिए जितना ज़्यादा आप फाइट करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, और जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पे प्रो प्लेयर बनने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो ये जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ आप जरूर ध्यान करिए, इसको फॉलो करिए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको प्रो प्लेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता पबजी में। और सबसे मेन बात है कि जहाँ भी जब भी आपको कोई टारगेट करे तो उसको आप कोई डायरेक्शन मत दे, बिकॉज उसको अगर अगर आपने उसको डायरेक्शन दिया तो सीधे से बात है वो आपको अटैक करेगा, देन इसके बाद आप उसके हाथों से आप मर जाओगे। तो उसको जब भी आपको टारगेट करे तो बेटर यह है कि आप या तो उस वैसे वक्त में आप ऐसे वक्त में या तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, देन इसके बाद आप चाहते हो कस। यहाँ पे देखिए रेड जोन स्टार्ट हो चुका है, तो ये अभी शायद डेथ जोन आ गया है। तो बस ये जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ आप जरूर ध्यान रखिए, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप इजीली पबजी में प्रो प्लेयर बन सकते हैं। तो यह मैंने आपको जो बताया, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू लाइक इट सो दैट वुड बी वेरी वेरी अप्रिशिएशन। अगर आपको वीडियो पसंद है आप मुझे ज़रूर बोलिए। अगर आपको आप इससे भी अगर आप एक्चुअल में जानना चाहते कि एकदम एकदम डिटेल में आप जानना चाहते कि आपको प्रो प्लेयर कैसे बनना है, ये तो मैंने आपको एक शॉर्ट वे बताया कि प्रो प्लेयर बनने के लिए आपको क्या करना है, लेकिन अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको नेक्स्ट टाइम में मैं आपको 1 घंटे का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको प्रो प्लेयर जो भी करता है वो मैं आपको डिटेल में बताएंगा, बिकॉज मुझे काफ़ी ज़रा एक्सपीरियंस होता हो गया है पबजी प्लेयर खेलने का। सो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।